रमेश चंद शर्मा जी से मुलाकात, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की नियमितकरण की मांग को लेकर आश्वासन मिला है रमेश चंद शर्मा जी की ओर से। नमस्कार, में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण को लेकर, वेतन डबल करने को लेकर। रोजगार सहायकों का वेतन डबल हुआ, इसी तरह से अतिथि शिक्षकों का भी वेतन डबल होना चाहिए और अतिथि शिक्षकों को स्थायी रोजगार मिलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। रोजगार सहायकों का वेतन हुआ दुगना, अब अतिथि शिक्षकों को आस। अतिथि शिक्षकों को भी आस है कि इनका भी वेतन दुगना किया जा सकता और स्थायी रोजगार दिया जा सकता। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत के कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन दुगना करने का आदेश 24 को जारी कर दिया है। इससे क्षेत्र की 45 ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों में हासिल ग्राम रोजगार सहायकों को अब 9,000 रुपये के स्थान पर 18,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया जा चुका है। अल्प मानदेय पर कार्य करने वाली आशा ऊषा बहनों और अतिथि शिक्षकों को के लिए कुछ अच्छा होने का इंतजार है। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं और अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होने की आशा जताई जा रही है और जल्द ही इनका तो वेतन डबल किया जाएगा, उनको नियमितकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बुलाई जाने वाली महापंचायत में कुछ निर्णय सामने आ सकता है। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं के साथ में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई जा सकती है, इसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण का फैसला हो सकता है। अतिथि शिक्षक संघ को महापंचायत का इंतजार। अतिथि शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष इंदर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में शीघ्र ही अतिथि शिक्षक और ऊषा बहनों के लिए भोपाल में महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। ऐसे महापंचायत का इंतजार है। उन्हें कहना है कि अतिथि शिक्षक पिछले 15 सालों से अल्प मानदेय पर शिक्षकों के रिक्त स्थान पर कार्य करते आ रहे हैं। नियमितकरण की मांग। वर्तमान में वर्ग एक के अतिथि शिक्षकों को 9,000, वर्ग दो के अतिथि शिक्षकों को 7,000, वर्ग तीन के अतिथि शिक्षकों को 5,000 रुपये मानदेय मिलता है। हमारे द्वारा सरकार से मानदेय दुगुना करने सहित नियमितकरण करने की मांग की जा रही है।